व्हाट्स अप गाइस, संजोत की हियर, वेलकम टू YFL। चटपटे भिंडी आलू बना रहा हूँ आज। अब कई सारे रिक्वेस्ट आते रहते हैं कि सिंपल रेसिपीज बताओ जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस नहीं हो और रेगुलरली हम घर पर बना पाएँ। तो ये वैसी रेसिपी है, भिंडी की रेसिपी है, साथ में आलू है, लेकिन एकदम चटपटी बनती है, होम स्टाइल रेसिपी है। बट अक्सर कभी रेस्टोरेंट्स में भी जाओ और भिंडी आलू खाओ तो मज़ा आता है खाने में। तो ये घर पर भी आपके भिंडी आलू जो है एकदम परफेक्ट बनेंगे। इस वीडियो में भिंडी आपको सिलेक्ट कैसे करनी है, उसे आपको धोकर कट कैसे करना है वो भी बता रहा हूँ कि अगर आपने भिंडी पहले पकाई नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स होते हैं जिन्होंने नई नई कुकिंग शुरू की होती है, तो उन्हें भी पता चल जाएगा। और बाकी सिंपल रेसिपी एकदम और बहुत टेस्टी बनती है और घर पर आप लंच पर या कभी भी आपको खानी है अक्सर बनाकर खा सकते हो। सबसे पहले भिंडी की तैयारी कैसे करनी है, भिंडी को कट कैसे करना है, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम भिंडी ले ली है। भिंडी सिलेक्ट कैसे करनी हो देख लेते हैं। भिंडी का जो साइज़ है ना, आपको बहुत बड़ा नहीं लेना है। आप मीडियम साइज़ की भिंडी लीजिए। जो एकदम बड़ी भिंडी होती है वो हार्ड होती है, उसे पकाने में मज़ा नहीं आता, खाने में मज़ा नहीं आता। तो आप देख सकते हो ऐसे साइज़ की भिंडी आपको ले लेनी है। भिंडी चेक कैसे करनी हो आपको बता देता हूँ। भिंडी का जो टिप होता है ना, ये टिप को जब आप इस तरीके से ट्विस्ट करोगे टूट जानी चाहिए। अगर नहीं टूटेगी मतलब आपकी जो भिंडी वो सही नहीं है, फ्रेश नहीं है। अब भिंडी को आपको धो लेना है। तो भिंडी को एक बार आपने अच्छे से धो लिया, दो तीन बार धो लीजिए। धोने के बाद ना इसको सुखाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं क्या करता हूँ, एक डस्टर ले लेता हूँ, ऐसे एक किचन टावल ले लेता हूँ। किचन टावल को लेकर उसको अच्छे से पोंछ लेता हूँ। इस तरीके से अच्छे से पोंछ लेना है आपको भिंडियों को। सारी भिंडी आपने अच्छे से एक बार पोंछ ली। पोंछ करना एक खुले प्लेट पर आपको रख देना है। प्लेट पर इसलिए रख रहा हूँ कि 5-10 मिनट ना इसको फैन के नीचे रख देंगे, ऐसे खुला रख देंगे कि और सूख जाए भिंडी। भिंडी को आपको अच्छे से सुखा लेना है कट करने से पहले। एक बार भिंडी आपकी अच्छे से सूख जाए उसके बाद आप दो तीन भिंडी ले लीजिए एक साथ। उसके बाद इस तरीके से रख दीजिए साथ में कि एक साथ आप 3-4 भिंडियों को कट कर पाएंगे। टॉप्स को कट करके निकाल दीजिए। ऐसे मोटे मोटे क्यूब्स में आपको भिंडी को कट कर लेना है। आप देख सकते हो बहुत पतला पतला नहीं कट कर रहा हूँ क्योंकि आलू भी डालने वाले हैं, तो आलू के बराबर आपकी भिंडी होनी चाहिए। भिंडी जब आप कट कर रहे हैं तब एक चीज़ का ध्यान देना है, कीड़े आपको चेक कर लेने। कभी कभी कीड़ा आ जाता है भिंडी के अंदर, तो कट करते टाइम ध्यान जरूर देना है कि कीड़ा नहीं हो भिंडी के अंदर। अगर हो तो डिस्कार्ड कर देनी है। तो इस तरीके से भिंडी को कट कर लीजिए और एक बोल में ट्रांसफर कर दीजिए। अब आलू कैसे कट करना है देख लेते हैं। तो आलू को मैंने छील कर रख लिया। यहाँ पर एक बड़ा आलू मैं यूज कर रहा हूँ। एक बड़ा आलू या दो छोटे आलू आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें अभी कट कर लेते हैं। आलू को इस तरीके से पहले आपको मोटे मोटे स्लाइसेस में कट कर लेना है। उसके बाद इस तरीके से आप इसे फ्रेंच फ्राई कट में कट कर लेंगे। फ्रेंच फ्राई कट करने के बाद इसके क्यूब्स कट कर लेंगे। ध्यान बस एक चीज़ का देना है, जितनी भिंडी का साइज़ है उतना ही आपका आलू का साइज़ होना चाहिए। हल्का सा बड़ा हो सकता है, बहुत बड़े बड़े आलू के पीसेस आपको कट नहीं करने। एक बार आपने आलूओं को कट कर लिया है तो उन्हें एक बोल में ट्रांसफ़र करके रख लीजिए। अब इनमें पानी ऐड कर दीजिए कि जब तक आप कुकिंग करेंगे तो आलू जो है हमारे काले नहीं पड़े। अब प्याज को कट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं दो प्याज को कट करने वाला हूँ। तो प्याज ले लीजिए, प्याज को छील लीजिए, फिर बीच में इस तरीके से कट कर लीजिए। अब आपको प्याज को मोटा मोटा स्लाइस कर लेना है, एकदम बारीक नहीं स्लाइस करना है, हल्का मोटा रखिए। वो प्याज का जो टेक्सचर है ना भिंडी कुक करते समय और बाद में जब भी सब्जी बन जाएगी वो टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है प्याज का। तो इस तरीके से मोटे मोटे स्लाइसेस में दो प्याज कट कर लीजिए। और हमने प्याज को स्लाइस करके तैयार कर लिया, इन्हें अभी साइड पर रख दीजिए। तो सारी सब्जियां मैंने आपको बता दी कैसे कट करनी है और स्पेशली भिंडी के बारे में हर एक चीज़ आपको बता दी। भिंडी का ना एक सबसे बड़ा दुश्मन होता है पानी। जब पानी रह जाता है ना भिंडी के ऊपर और जब कट करते हो तो लेसी होती है अंदर से, और वो लेसीनेस इसकी बढ़ जाती है, चिपचिपी हो जाती है भिंडी। इसके लिए सुखाना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ का आप ध्यान दीजिए। पानी जो है दुश्मन होता है भिंडी का। तो भिंडी जब भी कट कर रहे हैं अच्छे से पोंछ लीजिए, सुखा लीजिए, तो आपकी भिंडी एकदम परफेक्ट बनेगी। आपका आधा काम यही हो जाएगा। बाकी सारी सब्जियाँ तो काटना बहुत आसान है। अब ये चटपटे भिंडी आलू बनाने कैसे हैं वो देख लेते हैं। एक कढ़ाई ले लीजिए और कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लीजिए। एक बार कढ़ाई गर्म हो जाए तब इसमें 2 टेबलस्पून सरसों का तेल ऐड करना है। और सरसों के तेल को हाई फ्लेम पर आपको स्मोकिंग पॉइंट पे ले आना है, जला लेना है कि वो जो तीखापन है, जो पंजेंसी है सरसों के तेल की, वो निकल जाए। सरसों के तेल में सब्जी बहुत अच्छी बनती है, तो सरसों का तेल ही इस्तेमाल कीजिए। एक बार धुआं आ जाए तेल के अंदर तो फ्लेम को लो कर दीजिए या फ्लेम को बंद कर दीजिए और कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाए कि तेल जो है हमारा हल्का सा ठंडा हो जाए, नहीं तो जब हम इसमें तड़का देंगे वो तड़का जल जाएगा। एक बार टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए तेल का तब इसके अंदर 1/2 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून रफली चॉप किया हुआ मोटा मोटा गार्लिक, 2 हरी मिर्ची चॉप करके ऐड कर दीजिए, 1/4 टीस्पून हींग डाल दीजिए और हल्का सा आपको तड़के को कुक कर लेना है। जीरा जब डालें ना तो जीरा क्रैकल होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है।
तड़के में आप राई और कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। एक बार बिना कड़ी पत्ते और राई के बनाइए, नेक्स्ट टाइम जब बनाइए तो कड़ी पत्ता डाल दीजिए, थोड़ा सा फ्लेवर में चेंज हो जाएगा। एक बार आपने गार्लिक को भून लिया तब इसके अंदर कटे हुए प्याज ऐड कर दीजिए। प्याज को ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पर यहाँ पर प्याज को बस 1-2 मिनट के लिए भूनना है, या जब तक कि हल्के से ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते हैं बस तब तक आपको प्याज को भूनना है। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है इस स्टेज पर, क्यों मैं आपको अब बताऊंगा। एक बार प्याज को आपने इस तरीके से भून लिया है तब इसके अंदर कटे हुए आलू ऐड कर दीजिए। आलू ऐड करने के बाद आलू को भी आपको हाई फ्लेम पर स्टर करते हुए 2-3 मिनट के लिए इनिशियली पकाना है। जब हम आलू को कुक करेंगे ना तो प्याज जो है हमारे वो साथ में कुक हो जाएंगे, इसलिए प्याज को पहले हमने ज़्यादा नहीं कुक किया, नहीं तो प्याज बाद में जल जाएंगे। तो बस 2-3 मिनट के लिए कुक कर लीजिए। अब आपको ढक्कन लगा के फ्लेम को लो कर देना है और हमारे आलू जब तक ऑलमोस्ट कुक नहीं हो जाते हैं तब तक आलूओं को कुक कर लेना है। लगभग 4-5 मिनट आपके आलूओं को लग जाएंगे पकने। तो 4-5 मिनट बाद ढक्कन को निकालिए, आप देख सकते हो हमारे आलू और प्याज फर्दर कुक हो चुके हैं। आलू मैंने अभी चेक भी कर लिया, आपने देखा ऑलमोस्ट कुक हो गया हमारा आलू। बस इस स्टेज पर फ्लेम को लो कर दीजिए। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दीजिए। नमक ऐड करने के बाद अच्छे से आपको स्टर करना है, सारे मसालों को मिला लेना है और फ्लेम को लो ही रखना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। बस 1 मिनट के लिए मसालों के साथ प्याज और आलू को कुक कर लीजिए। एक बार आपने आलूओं को कुक कर लिया है तब इनमें जो हमारी कटी हुई भिंडी है वो भिंडी ऐड कर दीजिए। हाई फ्लेम पर ही अच्छे से मिला लेना है, हल्के हाथों से स्टर कर लीजिए कि भिंडी और मसाले जो हैं वो अच्छे से मिल जाए। एक बार आपने बस अच्छे से स्टर कर लिया, अभी भिंडी को हम ज़्यादा स्टर नहीं करेंगे। इसी तरीके से ढक्कन लगा दीजिए और मीडियम लो फ्लेम पर यहाँ पर 5-6 मिनट के लिए आपको भिंडी को भी पका लेना है। भिंडी बहुत जल्दी गल जाती है, आलू तो हमारे पके हुए हैं, 5-6 मिनट में भिंडी भी हमारी पक जाएगी। बस बीच में एक बार आप ढक्कन को निकालेंगे, एक बार हल्का से स्टर कर लेंगे, देख लेंगे नीचे भिंडी और आलू लग तो नहीं रहे, मसाले लग तो नहीं रहे। स्टर करने के बाद फिर से ढक्कन लगा दीजिए। फिर से बोल रहा हूँ, स्टरिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी, नहीं तो जो भिंडी है ना वो लेसी हो जाती, अपना स्ट्रक्चर छोड़ देती। तो बस फिर से ढककर और 2-3 मिनट के लिए आप पका लेंगे। ये जितने भी मसाले हमने ऐड किए हैं, चटपटे भिंडी आलू बना रहे हैं इसलिए ऐड किए। अगर आप बेसिक सब्जी बनाना चाहते हो ना भिंडी आलू की, तो बस हल्दी पाउडर डाल दीजिए और एक चुटकी गरम मसाला लास्ट में डाल दीजिए, परफेक्ट बनती है। बाकी कोई मसाले आपको डालने की ज़रूरत नहीं अगर सिंपल भिंडी आलू बना रहे हो तो। तो बस और 2-3 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं हमारी सब्जी को। आप देख सकते हो हमारी भिंडी की सब्जी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। इसे अब हम एक बार टेस्ट कर लेंगे नमक के लिए। नमक की हल्की अगर कमी लग रही है तो इस स्टेज पर थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए, 1 चुटकी गरम मसाला और ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड कर दीजिए। एक बार बस स्टर कर लीजिए और हमारे चटपटे भिंडी आलू रेडी हो गए, लेट्स प्लेट इट वाईफल स्टाइल। सिंपल होमली भिंडी की रेसिपी आज हमने बनाई, जो एकदम चटपटी होती है और मज़ा आता है इसे खाने में। मैंने आपको सिंपल तरीके भी बता दिए, तड़के का चेंज भी बता दिया, कड़ी पत्ता राई डाल सकते हो। सिंपल तरीके से बनाना है तो वो अमचूर धनिया जीरा पाउडर वो सब डालने की ज़रूरत नहीं है, लाल मिर्च भी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्दी और गार्लिक और हींग के तड़के में बनाई है वो वाली भी भिंडी आलू बहुत अच्छी बनती है अगर सिंपल बनाना चाहते हो। तो ये रेसिपी ज़रूर बनाओ आपके घर पे और कमेंट्स में मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी होमली रेसिपीज़ आपको देखनी है और YFL पर मैं जल्द आपके लिए शूट करूँगा। अंटिल देन ट्राई दिस रेसिपी एट योर होम और कमेंट्स में मुझे बताओ आपको ये रेसिपी कैसे लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस चटपटे भिंडी आलू रेसिपी एट योर होम। चीयर्स।